इतना बड़ा विश्वासघात कोई कैसे कर सकता है दोस्तों, आपको क्या ही बताएं। राहुल ने इसका पूरा भिक्खो जब्त कर रखा है, अभी बोल रहा है कि मेरे पास कोई भिक्खो नहीं, कैसा भिक्खो। अरे बाप रे, हम तो सुन करके हैरान है कि मतलब इसके पास कोई भिक्खो ही नहीं है। पता है दीदी क्या बात हुआ था, जब उस दिन हम तुम उसको कैसे दे दी अपना भिक्खो, हम बोले कि ऐसी ऐसी बात है भैया, और ये मुझे बोल कर गया है कि हम तुमको रात को कोई बचाने नहीं आएगा, तुम्हारे मुंह में कपड़ा उसी मारेंगे और जो तुम्हारे साथ है उसी को फंसा देंगे। तो हम राहुल के पास कॉल किए और अर्जुन के पास कॉल किए, तो बोल रहे हैं हम लोग अभी खलीलाबाद हैं। और फिर अर्जुन का फ़ोन एक बार लगा तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। फिर राहुल के पास कॉल लगाए तो राहुल बोला कि ठीक है भाभी, तुम अपना भिक्खो सारा ले लो, रात को ले लो, कपड़ा ले लो दो चार, और आओ, हम ऑटो हम लोग भेज दे रहे हैं, ऑटो में आ जाए। ये राहुल ही ऑटो भिजवाया था, अर्जुन नहीं भिजवाए थे, राहुल ऑटो भिजवाया था। अब फंसा रहा है कि अर्जुन भिजवाए थे तो ये ऑटो भिजवाया और घर नहीं गया, ये जो कि अपना चारपहिया लेके नाथनगर खड़ा था राहुल। उसके बाद ये बोला कि अभी तुम यहाँ पर आओगी तो सब लोग देख लेंगे। ये गया ऑटो भेजा, ऑटो मुझे बैठाया, उसके बाद मुझे ऑटो वहाँ छोड़ दिया, हम अपना सारा चीज लेके अपने रूम में ताला मार के चले आए। उसके बाद राहुल मुखलिसपुर मिला, मुझे बैठाया तो हम बोले कि भैया हम अपना भिक्खो, वो बोला कि मालती भाभी भिक्खो लेके तू कहाँ कहाँ घूमबू, अद्दा हम धाई दे थी कौन ऐसा मतलब बाद में ले लिया जब तुहार मन करी। तो हम कहली ठीक है भैया ले ला, इधर मुद्दा ही खड़ा कर दिलवा तो सोचा था मालती भिक्खो या भुला गई नहीं ना अपने, तो हम तो दुनिया के सामने कह दे हमारे भिक्खो दे दा पैसा, और हम तो केहू से दोस्तों अब समझ में आ रहा है कि राहुल ऐसा क्यों कर रहा है, अब जाके समझ में आ रहा है। मुझसे बोले कि दे दो भिक्खो हम रख लेंगे, जब तुमको लेना रहेगा तो तुम ले लेना। तो दोस्तों अभी का फिलहाल का मैटर अभी देख रहे हैं आप लोग क्या है। अभी दोस्तों हम जा रहे हैं, हम लोग थाने पर जा रहे हैं, और थाने पर जा करके राहुल के खिलाफ और विष्णु के खिलाफ दोनों लोग के खिलाफ एफआईआर। झगड़े का कारण सबसे ज्यादा राहुल तुम ही हो, और तुम्हारे खिलाफ हम जरूर कुछ ना कुछ तो तुमको आपकी बार सबक सिखा देंगे। इसका भिक्खो जो है थाने पर ले आओ, गोरखपुर थाने पर ले आओ, कांटेक्ट करो, तुम्हारे पास नंबर रही है कांटेक्ट करो और थाने पर भिक्खो लेकर आओ, और इसका भिक्खो इसको दे दो, और जो रिकॉर्डिंग वाला वीडियो तुम डाले हो उस वीडियो को भी डिलीट करो। 7 भिक्खो था, हम सब अपना गिन के लेकर गए थे, मेरा 7 भिक्खो था। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि ये मोबाइल भी खरीदी थी जो कि विष्णुराज वीडियो बनाए थे कि मालती ने खरीदा अपने पहले पेमेंट से मोबाइल, वो मोबाइल दोस्तों पहले पेमेंट से नहीं खरीदा गया था, वो मोबाइल खरीदा गया था मारती अपना खुद का मंगलसूत्र बेची थी। आप लोग देखे थे दोस्तों मेरे पास एक छोटा वाला मंगलसूत्र था, एक मेरे पास सोम था, और मेरा बड़ा वाला मंगलसूत्र मैं कीनी थी कब, रक्षाबंधन के दो तीन दिन पहले एक बड़ा वाला मंगलसूत्र कीनी थी, इतना बड़ा था वो, 32,000 का मंगलसूत्र था, उसको मैं 20,000 में बेच के आई हूँ। और और बाकी पायल था दो, युवराज का कंगन था टूट गया था, बिछिया था उसको बेची थी, दोनों मंगलसूत्र सब मिला के 30,000 रुपया हुआ था, और 10,000 अकाउंट से निकाल के, 10,000 अकाउंट से निकाल के हम अपना फोन मोबाइल खरीदे, मेरा फोन भी फोड़ दिया गया था पुराना वाला, और इसीलिए हम नहीं तो हमारे पास भी जिस तरह तुम सबूत लेकर घूम रहे हो ना, हमारे पुराने उस मोबाइल में दोस्तों सारा सबूत था जो कि मिटा दिया गया है। हमारे पास भी 10 मिनट का रिकॉर्डिंग आया था, वो भी तुम्हारा बात, राहुल का बात और राधिका का बात उसमें था दोस्तों, तो सब कुछ राहुल किया है। राहुल जो है अपने खुद के आइडेंटिटी पे यानी कि खुद के आधार कार्ड पर रूम दिलवाता है सहजनवा में। हाँ, ये तो बात हम भूल गए, ये सब घर से बहाना करके गए कि हम जा रहे हैं गोरखपुर, हम बोले कौन काम है, तो बोल रहे हैं लाइट लेने जाना है, तो हम बोले ठीक है जाइए, यहाँ नहीं गए थे, आए थे सहजनवा, और इनको रूम अपने मतलब जानते थे, तो मतलब शादी वादी हुआ होगा मतलब सब लोग जाने थे, तो रूम इनको नहीं दे रहे थे लेडीज के साथ रहने के लिए। उसके बाद राहुल और एक लड़का और है, और ये विष्णु, तीनों का आधार कार्ड लगा था, उस लड़की का भी आधार कार्ड लगा था, मेन आधार कार्ड ये राहुल दिया था अपना, तब उसको रूम मिला था सहजनवा में। और होटल भी मुझे पता है किस होटल में ये लोग थे, वो होटल भी हमको पता है, मेरे फोन में फुटेज भी आया था, मेरा फोन फोड़ दिया गया, मेरा सब सबूत खत्म हो गया उसी फोन में मेरा जो था, और ऐसा फूटा था ना कि उसको वो बनवाने भी लायक नहीं था। दोस्तों अब आप ही लोग फैसला करिए क्या करना क्या नहीं करना है, और ये मुझे बदनाम किया जा रहा है बस कि मेरे रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग कुछ ना, वो रिकॉर्डिंग एडिट करके जोड़ा गया है, और मुझे बदनाम कर रहे हो सब लोग सोशल मीडिया पे। तो राहुल तो अब की बार तो तुम बचोगे नहीं,
मैंने बहुत आपको बचाया था, विष्णु ही बोला था जब आपने, क्यों दीदी वीडियो पढ़ा है लड़की के बारे में, विष्णु राज राहुल वीडियो डाला था, अगर डिलीट कर दिए होगे तो सबूत खत्म हो गया होगा, तुम वीडियो डाले हो उस लड़की के बारे में, हाँ डाली है, उसका चैनल खोलो तुरंत डाउनलोड हो, वीडियो कर लो। मेरे पास जो ये था क्या बोलते हैं, राहुल के ऊपर विष्णु राज एफ आई आर करने गए थे, लेकिन तो बोल रहा था हमारे पति बोल रहे थे कि मालती के मुंह से और राहुल तो के फसवा दे कि एमए के कदे हमरे मेरा छेड़त रहने ये कुल्ला से राहुल के बचाए वाले यहाँ माई हम कल हमारे दहिया काट दे बने तब वो तू गलत कहले बाटा तुहरे ही साथे राहुल के खिलाफ कब्बो ना जाए बचाए वाला तुम के हम आई आज हमारा ही घर बर्बाद करता वा है तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक जाने वाला था बचाने वाले हम है अब तक तुम्हारा चैनल नहीं रहता ठीक है सब लोग स्ट्राइक मारने वाले थे दोस्तों ये राहुल किसी का हित नहीं है आप लोग देखिएगा जहाँ पे व्यू जाता है वहाँ बिन पेंडी के लोटे के तरह इधर से इसे निरखता रहता है तो हम बता दे आप लोगों से कि ऐसा आप लोग इसके बारे में पूरा छानबीन करिए अपना घर तो देख ही नहीं सकता दूसरे को कहां से ये क्या करेगा अपना देखो ना हम कह रहे हैं तुम्हारे घर में परिवार कम है क्या तुम्हारी बीवी नहीं है माँ नहीं है बाप नहीं है बच्चे नहीं है उसको लेके वीडियो बनाओ ना दूसरे के मैटर में काहे कूदते हो तुम्हारा आदत पड़ गया है कूदना यही तुम्हारा कूदना है तुम्हारा बहुत कुछ कर जाएगा काल हो गया है इनका कूदना अब नहीं छोड़ेंगे तुमको हम बहुत तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी और दोस्तों बताइए ये बोली कि विष्णु राज हमसे प्यार नहीं करता तो उसको एडिट करके बोल दिया कि राहुल हमसे प्यार नहीं करता है अर्जुन हमसे प्यार नहीं करता है बताइए महिला को क्यों इतना बदनाम कर रहे हैं एक महिला के पीछे इतना हाथ धोके क्यों पर क्या मिल जाएगा तुमको चार दिन व्यूज इकट्ठा कर लोगे उसके बाद क्या होगा जिंदगी भर जो उसका हाय लगेगा वो तुम बर्दाश्त कर पाओगे जो इसका जिंदगी का जो तुम इसका जिंदगी बर्बाद कर दी हो अब इसका पति इसको नहीं अपनाएगा चाहे अपने पति को नहीं अपनाएगी तो तुम ये हाय बर्दाश्त कर पाओगे ये बताओ ये तो यही चाहता है कि ये लोग चाहते हैं कि विष्णु राज मुझे तलाक दे दे ये लोग यही चाहते हैं और इतना तक पता है हलवा है बनाओ और खा लो तलाक इतना आसान बात ना कल कोर्ट में भी गए थे तलाक दोस्तों आप लोग जान लीजिए जो भी बहने अगर कम पढ़ी लिखी है जान लीजिए जब तक आप नहीं चाहेंगी जब तक आप नहीं ये चीज को अपसेट करेंगी कि हाँ मैं तलाक चाहती हूँ तब तक कोई माई कला कोई कोर्ट कचहरी आपको तलाक नहीं दिलवा सकते चाहे कितना भी आप पैसे वालों ऐसे फर उड़ाते रहो कुछ होने वाला नहीं है बबुआ आप लड़ते रहो केस इतना बड़े पावर स्टार पवन सिंह तो उनका बन के बैठल बाटे उनका तलाक ना भाई तो हाई विष्णु कितना पैसा कमेले बड़ा विष्णु वो पैसा कहे ना घमंड बतारी कितना पैसा तोर लगे बा और रात नहीं क्या और आ जाए टेंशन ना ला अरे यार वही पैसा अच्छे जगह तुम यूज किए रहते उस लड़की के ऊपर नहीं बर्बाद किए रहते इतना अच्छा तुम्हारा फैमिली चल रहा था तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ यहाँ तक कि जब वो लड़की थी ना यहाँ पर उसको डॉक्टर ने बोला था उसका तबीयत उसके पेट में दर्द होता था रोज सोकर जब उठती थी सुबह में तो बोलती थी मेरे पेट में दर्द होता था क्यों तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था उसके पेट में क्यों दर्द हो रहा था ये बात तुमको अच्छी तरह से पता है रोज मुझसे बोलती थी दीदी पेटवा पीड़ा था का करी हम कली काहे तो रोज पेटवा पीड़ा ला भी नहीं है रोज पेटवा काहे पीड़ा ला उसको बोला था डॉक्टर 21 दिन सुई लगाने के लिए रोज खुद से गाड़ी से लेकर जाते थे सुई लगवाने हम घर में तबीयत मेरी खराब बोलते थे एक दर्द का दवाई ला दो 20 दवाई बोलते थे तो एक बार दवा आता था मेरे लिए और दोस्तों उसका भी बहुत बड़ा राज है मालती अपने वीडियो में बोल चुकी है कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी सही है हाँ। चलिए छोड़िए उसके हमसे लोगों से क्या देना देना अब क्या है कोई बात और ये भी बात है कि ये विष्णु राज उसका सफाया करवाए थे और ये राधिका राज फन चैनल पे आप लोग जाकर देखिए हॉस्पिटल का उसका वीडियो पड़ा है कि नहीं जब उसका सफाया हुआ था ना तो हॉस्पिटल में एडमिट थी वहीं का वीडियो डाली है मुझे सब बातें पता था मेरा तो यहाँ तक फोन फूट गया कसम से बहुत हो रहा है मेरा फोन फोड़ दिया गया नहीं तो आप लोग उसमें सारा सबूत था दोस्तों उसका सबूत मुझे जिस दिन मार रहा था ना अपना कैमरा चुरा के चालू करके रखे थे उसमें 6 मिनट का रिकॉर्डिंग था मेरे कैमरे में लेकिन तो जब मार रहा था ये तब का रिकॉर्डिंग हम रखे थे उस फोन पे लेकिन मेरा फोन और तोड़ दिए सब लोग दोस्तों जिस तरह किसी पढ़े लिखे इंसान ने ममता का मोबाइल फॉरवर्ड किया था याद होगा आप लोगों का तो ममता का मोबाइल इसी तरह मरने से पहले ममता का मोबाइल मरने के बाद उसका मोबाइल किसी पढ़े लिखे अच्छे इंसान ने उसका मोबाइल लेकर के फॉर्मेट कर दिया था कि उसका कुछ सबूत ना बचे ठीक है उसी तरह इसका
मोबाइल तोड़ दिया गया ताकि कोई सबूत ना बचे। चलिए ठीक है, इनके घर में इसी तरह से केसें दबाई जाती होंगी, लेकिन हमारे रहते ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग के रहते ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग चाहेंगे तो इसको इंसाफ जरूर मिलेगा, आप लोग चाहेंगे तो ममता का क्या है, ममता तो चली गई, उसका क्या बात है।